हृदय कैंसर इंस्टीट्यूट फरीदाबाद से। आज हम लोग बात करेंगे बोन मैरो और बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स के बारे में। तो बोन मैरो होता क्या है? बोन मैरो हमारी लंबी हड्डियों और रीढ़ की हड्डियों के बीच का वो स्पंजी मटीरियल होता है जहाँ से हमारा खून बनता है। तो खून जो है वो क्या है, तीन प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे कि RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। RBCs हम सबको पता है, हमारा हीमोग्लोबिन बनता है जिससे हमें शक्ति मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है और हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, सारे सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है। इसी तरह दूसरे तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें WBCs या वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये जो है ये हमारे बॉडी के पुलिसमैन हैं, ये जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का ध्यान रखते हैं, सारे इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। और तीसरे सेल्स जो बोन मैरोज बनाते हैं वो हैं प्लेटलेट्स, जो हमारी बॉडी के खून को जमाने में हेल्प करते हैं या जो क्लॉटिंग फैक्टर्स देते हैं। जब भी कभी हमारी बोन मैरो में कोई दिक्कत होती है, या तो वो कैंसर की वजह से हो, जैसे माइलोमा, लिम्फोमा या ल्यूकीमिया जैसी बीमारियों की वजह से, या कोई और ये बीमारी जैसे एप्लास्टिक एनीमिया जहाँ पे बोन मैरो बननी बंद हो जाए, या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, तो इनके चीज़ों में बोन मैरो फेल हो जाती है और बोन मैरो फेलियर्स की वजह से खून बनना बंद हो जाता है। तो इन्हीं सभी कंडीशंस में एक प्रोसेस करा जाता है जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोला जाता है। मतलब इन प्रोसेस में हम कीमोथेरेपी और दवाइयों के द्वारा हम बोन मैरो को सप्रेस करके पेशेंट को या तो उसकी या उसके किसी डोनर के द्वारा नई बोन मैरो प्रदान करते हैं।